नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। देश में उज्ज्वल योजना के अंतर्गत 8 करोड़ परिवारों को गैस चूल्हा देने के बावजूद अनेक परिवार अभी भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। जो लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं, उनका कहना है कि मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही एक महिला और वहीं घर के पुरुष मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने वाले के लाभ बता रहे हैं। और आप इसी के साथ देखते रहिए श्रीनगर से तारिक मिर की ये विशेष वीडियो। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद याकूब खटाना, साथ में छतरपुर बाला, तहसील कंगन, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से मेरा ताल्लुक है जी। अच्छा, जो ये पुराना कल्चर आप बराबर जो आपने जिंदा रखा आज तक, जो आप चूल्हे पे भी जो है खाना पकाते हो, रोटी बनाते हो, क्या आपको कितना इसमें जो है खाने में मज़ा आता है? आपको लग रहा है कि इन चीज़ों से, पुराने कल्चर से जो है बीमारी फैलने का भी खतरा नहीं? जी, अल्लाह ताला का फजल है कि जो पुराना कल्चर है या हमारी इस सोसाइटी में, हमारे दूर दराज इलाकों में देहात में मौजूद है अभी, तो इससे एक तो खाने में लज्जत भी होती है और दूसरे जो ये खाना बनता है चूल्हे पर, इसमें जो बीमारियाँ वो बीमारियों में बहुत कम बीमारियाँ फैलती है। तो इसके साथ जो हमारी माँ बहन उन चीज़ों पर ये खाना बनाती है जी, तो ये भी बड़ी अदब से, बड़े एहतराम के साथ बाबूजू होकर चप्पल वगैरह निकाल कर बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से खाना बनाती है, तो जिससे खाने में लज्जत भी होती है, तो इससे बीमारियाँ भी नहीं फैलती है। आज कल के इस मॉडर्न दौर में जो हमारी माँ बहनें जो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करती हैं या पावर इस्तेमाल करती हैं या गैस इस्तेमाल करती हैं, तो ऐसा ही जो है कि चप्पल लगाकर या जूते लगाकर वो खड़े खड़े, जैसे वो एक सफाई खड़ा रहता है, खड़े खड़े वो रहकर वो खाना बनाती हैं, जिससे ना लज्जत होती है और सेहत के लिए भी इतनी मुज़र होती है कि बिल्कुल हर तरह की, हर किस्म की बीमारी फैल जाती है। उसे हमें लगता है कि जो ये पुराना कल्चर है, ये अच्छा कल्चर है, जो ये कल्चर मौजूद रहना चाहिए। आपको लग रहा है जब से ये कल्चर ख़त्म हुआ है, चाहे शहर की बात की जाए या दूर दराज इलाके की, आपको लग रहा है कि जो है औरतों में ज़्यादातर जो है बीमारी बढ़ गई है? हाँ जी, बिल्कुल, कि नहीं, 100% शहरों में भी, देहात में भी, जहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, पावर इस्तेमाल होता है, हीटर इस्तेमाल होता है या गैस इस्तेमाल होती है, वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा पड़ गई और वहाँ पर जो है ये कोई उठने बैठने का तरीका भी नहीं है, कोई अदब नहीं है, मोटापापन हो जाता है, तो सब हर किस्म की बीमारियाँ वहाँ पर फैल जाती है। तो कितना मज़ा आपको आता है इस पे, जो चूल्हे पे आप खाना पकाते हो या रोटी बनाते हो, तो कितना मज़ा आपको आता है उसमें खाने में? जी, इसमें हद से ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जिसमें जो लज्जत होती है वो मौजूद रहती है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये मेहनत से किया जाता है, मेहनत से जो खाना तैयार होता है, मेहनत से जो खाना पकता है, तो इसमें कुदरती लज्जत होती है। तो जो मेहनत के बगैर हो तो उसमें ना लज्जत होती है, तो ना ताकत होती है और बीमारियों की जड़ें उसमें पाई जाती है। तो जो मॉडर्न दौर के आजकल जो लोग अपना रहे हैं, नए नए चीज़ें अपना रहे, क्या आप उनको कुछ कहना चाहते हो? जी, उनसे मेरी गुजारिश है, मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो पुराना कल्चर था, जो हमारे पुराना रिवाज थे, ये मौजूद रहने चाहिए, क्योंकि नए कल्चर से, नए इस चीज़ से ये अच्छा नहीं होता है। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो जो पुराना हमारा कल्चर है, इसको बरकरार रखें। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद याकूब खटाना, उनकी बात करना सर, साथ में मौजा छतरपुर, तहसील कंगन, जिला गांधरबल से मेरा ताल्लुक है जी। तो जो पुराना कल्चर है यहाँ पे, अभी भी जो है चूल्हों पे जो है खाना पकाया जाता है, क्या आपको लग रहा है कि अभी ये, मतलब जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे ये पूरी तरह से भी, मतलब जिंदा है ये पुराना कल्चर? जी हाँ, बिल्कुल, अल्लाह ताला का फजल है कि जो दूर देहात के रहने वाले लोग हैं, दूर देहात इलाके के रहने वाले लोग हैं, तो जो पुराना कल्चर से वो मौजूद है। तो बाकी जहाँ पर, मतलब नीचे श्रीनगर हो या नीचे जो मॉडर्न इलाका हो, उस पर तो ये कल्चर ख़त्म हो गया है, लेकिन दूर देहात जो गांव में दूर दराज रहने वाले लोग हैं, इसमें अभी ये मौजूद है, तो वो मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कल्चर था, ये मौजूद रहने की हमारी पहचान इसके साथ है। तो कि जो आप इस पे खाना या रोटी पकाते हो, कितना मज़ा उसमें आता है खाने में? जी, इसमें मज़ा भी आता है और सबसे बड़ी बात है कि सेहत के लिए ये बिल्कुल मुफीद है,
सेहत के लिए भी मुफीद है और बरकत भी इसमें है, क्योंकि ये जो कुछ होता है ये मेहनत से किया जाता है, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, खून पसीना लगता है, इस वजह से इसमें लजत भी होती है और सेहत पर भी इस पर जो असर है अच्छे असर पड़ते हैं। आपको लग रहा है जब से नया कल्चर शुरू हुआ है खाना पकाते हैं जो इनमें कुकर प्रेशर कुकर्स हैं, आपको लगता है कि उनसे ज़्यादा नए कल्चर से ज़्यादा बीमारी फैल गई है? बिल्कुल बिल्कुल, आज आम तौर पर बीमारियां पड़ी हैं, मतलब कोई कहता है मुझे शुगर है, कोई कहता है मुझे कमल है, कोई कहता है मुझे, ये सब जो बीमारियां ये प्रेशर कुकर से या जो पावर के जरिए खाना बनाया जाता है या जो गैस के जरिए खाना बनाया जाता है, ये सब बीमारियाँ जो इसी चीज़ से फैलती हैं। ये जो ये आग है लकड़ी की आग जलती हुई, तो इसमें जो भी खाना हम डालते हैं, मतलब चावल डालते हैं या सब्जी होती है या चाय होती है, तो ये पहले इसको पकाकर खूब जो भी बीमारी वो दूर कर देती है और बिल्कुल साफ़ सुथरा तैयार करके ये इंसान को मुहैया करती है, जिसके साथ इंसान की सेहत अच्छी रहती है, तो मौलिक बीमारी से इंसान बच जाता है। जो लोग अभी कश्मीर में रहते हैं या कश्मीर से बाहर जो अभी जो है मतलब जिन्होंने ये ख़त्म किया है ये पुराना कल्चर, आप उनको कुछ कहना चाहते हो? हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि जो उन्होंने ये पुराना कल्चर ख़त्म किया है तो इसको ख़त्म ना करें, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये मुसलमान की पहचान यही है। पुरानी कल्चर जो है ये मौजूद रहनी चाहिए, तो नई कल्चर जो है उसको ख़त्म किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पुरानी जो कल्चर है ये मौजूद रहनी चाहिए, ये मैं अपील करता हूँ आज के ज़माने के। बड़ी कंट्रोल में, बड़ी हिदायत में लेके अल्लाह के मान मांग कर